So, hello मेरे welcome back to my YouTube channel, RBS Anime Hindi. जिस पल का तुम सभी को इंतजार था वो पल आ चुका है हाँ, तुम सब सही समझे One Piece के मांगा का आ चुका है तो चलो चर्चा को शुरू करते हैं इस चैप्टर का टाइटल होने वाला किड एंड लॉ वर्सेस बिग मॉम अगर तुम ध्यान से याद करो तो बहुत टाइम से बहुत सारे चैप्टर से हमें हैट के मेंबर्स की फाइट दिखाई जा रही थी जैसे सांजी वर्सेस क्वीन जोरो वर्सेस किंग और लूफी काइडो, बट ये चैप्टर का स्पॉइलर रीड करके लग रहा है यहाँ पर हमें साइड अकॉर्डिंग है, है। क्रिएचर बुक में वो भी इसके द्वारा जिसका नेम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है मेरे से नहीं लिया जाता इसके बाद नेक्स्ट स्पॉयलर राइजू वर्सि फुकरोजी बोथ आर बर्निंग बट नॉट रिलीजिंग देयर जुटसुस भाई सच बोलू मुझे इन दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है दोनों में से कोई भी जीते मेरे को फर्क नहीं पड़ता इसके बाद चौपर दिखता है जो जोरो जो और मिंग्स के दवा के इफेक्ट को लेकर थोड़ा परेशान है थोड़ा टेंशन में है। अब जो मेरे भाई मैं बोलने वाला हूं ओडा ने एक और सरदर्द लेके एक, ले एक स्केलेटन अपियर होता है अब ये कौन है मुझे नहीं मालूम बट इतना मेरे को मालूम है ये ब्रुक नहीं हो सकता और ना ही बेजल हॉकिंस है बिकॉज हॉकिंस को पहले ही किलर ने काट दिया है और रही बात ब्रुक की तो ब्रुक रॉबिन के साथ है इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे जब इसका चैप्टर आ जाएगा तो इसके ऊपर हम लोग यार थ्योरी वगैरह बनाएंगे थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे बट फिलहाल के लिए थोड़ा हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं आइजो ने अपने सारे एनिमीज को डिफीट कर दिया बट वहाँ सीपी जीरो आ जाते हैं लेकिन सीपी जीरो को आइजो में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उनके पास इससे भी ज्यादा अर्जेंट काम है हाँ मालूम है निको रॉबिन को पकड़ना बट क्या तुमको लगता है उन्हें उन्हें जाने देगी? नहीं, वो उन्हें रास्ते में ही रोक लेती है, है। गन उनके ऊपर तान देती है। अब यहाँ पर सवाल उठता है क्या आईजू उन्हें रोक पाएगी मुझे नहीं लगता उसके लिए मार्को की हेल्प चाहिए ही चाहिए बिकॉज वो दो है और ये एक इधर लॉ और किड की बात की जाए तो ये बिग मॉम से यार बुरी तरह से पिट चुके हैं मार खा के हार चुके हैं इसके बाद लिलिन किड और लोह को कपड़े की तरह धोने के बाद काइडो के पास जाने के लिए निकल रही होती है लेकिन उसी वक्त किड और लो फिर से उसके ऊपर हमला कर देते हैं और फिर ये दोनों एक साथ बोलते हैं सुन बुढ़िया भले ही हम यहाँ पर लड़ते हुए मर जाएं, पर तेरे को ऊपर जाने नहीं देंगे खैर इस बात पे मैं नहीं कहना चाहता कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है ये लोग यार बिग मॉम को हरा नहीं सकते वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है ये था चैप्टर का स्पॉइलर और बहुत सारे लोग अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे बोलेंगे भाई पिछले जैसा चैप्टर नहीं था वगैरह वगैरह अब यार देखो अगर मैं साइड कैरेक्टर वाइज देखने जाऊं तो यार ये बहुत अच्छा चैप्टर था ओडा ने हमें बहुत बढ़िया चैप्टर दिया है बट अगर तुम सिर्फ मेन कैरेक्टर्स को ही फाइट करने के लिए देखना चाहते हो तो वन पीस तुम्हारे लिए नहीं बना है वन पीस एक ऐसा मांगा है जहां पर तुम्हें हर कैरेक्टर के ऊपर ध्यान दिया जाता है ओडा हर कैरेक्टर को बराबर टाइम देता है भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में ऐसे ऐसे चीजें मालूम पड़ती हैं ना जिसका उस आर्क के बाद रोले नहीं है पर ओडा उनके ऊपर भी ध्यान देता है ये चीज ओडा को स्पेशल बनाती है और इसी वजह से ये के भी मुझे अच्छा लगा। इस वीडियो को लाइक मारना मत भूलना और हाँ अगर तुम घूमते घाम इस चैनल पर नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन ऑन कर दो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं तुम्हारे लिए ऐसे वीडियो बनाता रहू तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिलहाल